आज हमने करना है डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये डोमेन थ्योरी क्या है? तीन तरह के मटेरियल हमने पढ़े थे, एक डाया, पैरा एंड फेरो। और भी होते हैं लेकिन मेनली ये तीन है। इसमें डाया और पैरा एक दूसरे के बिल्कुल अलग है, लेकिन पैरा और फेरो काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। बस इतना अंतर है कि जो प्रॉपर्टी पैरा की है वही फेरो की है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसकी प्रॉपर्टी 1 है तो इसकी प्रॉपर्टी 1000 है, इतना डिफरेंस होता है। तो वो क्यों, इसकी सारी प्रॉपर्टीज स्ट्रांग क्यों है, क्यों वो सारी प्रॉपर्टी स्ट्रांग है? उसका रीजन है डोमेन, डोमेन्स का स्ट्रक्चर। अब डोमेन का स्ट्रक्चर क्या है, इससे पहले हम पैरा को एक बार फिर से समझें कि पैरा मैग्नेटिक मटीरियल का क्या था हिसाब। पैरा मैग्नेटिक मटीरियल में छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंट डाइपोल्स बने हुए हैं, और चाहे ये एटम है या मॉलिक्यूल है या आयंस है, और ये सब क्लोज्ड चेन के फॉर्म में अरेंज्ड हैं। एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, पांच डायपोल का एक क्लोज चेन बन गया। ठीक है, हो सकता है ये वाला डायपोल इस वाली चेन में भी आ रहा हो। देखिए, तीन डायपोल्स का एक क्लोज लूप बन गया, या हो सकता है ये इधर किसी चेन में आ रहा हो। एक ही डायपोल दो, एक या एक से ज्यादा चेन में भी आ सकता है, ये रहा, इस चेन में भी आ गया। लेकिन हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी ना किसी चेन का हिस्सा जरूर होगा, चाहे एक चेन का हिस्सा हो, दो का हो या चार का हो, लेकिन किसी ना किसी चेन का हिस्सा जरूर होगा। जो बिल्कुल किनारे पर रखा हुआ पार्टिकल है, यहाँ बिल्कुल पार्टिकल जो किनारे पर रखा है, वो भी किसी ना किसी लूप में पार्टिसिपेट जरूर कर रहा है। तो इसलिए इनका ओरिएंटेशन क्या है, इनका ओरिएंटेशन रैंडम ओरिएंटेशन है, रैंडम ओरिएंटेशन है। और रैंडम ओरिएंटेशन से क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कन्फाइंड हो गई विद इन द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के बीच बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं निकली तो हम कहेंगे पूरे के पूरे स्पेसिमेन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जीरो है, जबकि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है। अब फेरो, फेरो में थोड़ा सा डिफरेंस है, फेरो में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है फेरो में, कि यहां भी फेरो के हर एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अपना डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है। हर पार्टिकल अपने आप में एक डायपोल है, हर एक पार्टिकल अपने आप में मैग्नेटिक डायपोल है। हर पार्टिकल, चाहे वो पार्टिकल आयन है या एटम है या मॉलिक्यूल है, अगर ये फेरोमैग्नेटिक है तो इसका भी हर एक पार्टिकल पैरामैग्नेट की जैसा ही अपने आप में एक डाइपोल है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि बहुत सारे डाइपोल्स मिल करके एक रीजन बना लेते हैं, इररेगुलर शेप के रीजन्स बना लेते हैं बहुत सारे डाइपोल्स मिल करके। इन रीजन्स की कोई शेप नहीं है, कोई छोटा बड़ा भी होता है, कोई पतला भी होता है, कोई ट्राइंगल का है, कोई स्क्वायर शेप का है, कोई रेक्टेंगल का है, कोई इररेगुलर शेप का है। ये रीजन बना लिए, ये रीजन बना दिए इन्होंने, इस एक रीजन को बोलते हैं डोमेन। एक रीजन कहलाया जाएगा डोमेन। हर एक रीजन कहलाता है डोमेन। अब इस डोमेन में क्या होता है, डोमेन में एक ही डोमेन के अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। जैसे मैं ये वाला डोमेन की बात करूं तो इस डोमेन में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जितने भी डायपोल्स हैं, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, एक ही डायरेक्शन में। और ये वाला डोमेन है, यहां एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए सारे के सारे। छोटा सा रीजन होता है बिल्कुल,
ये सारे के सारे एक ही डोमेन को मैं अलग से बनाऊं, देखो एक डोमेन को मैंने ये बनाया, ये डोमेन है इरेगुलर सी शेप का, अजीब सी शेप का, तो यहाँ जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। तो एक डोमेन ये रहा, इसमें जितने भी कंस्टिट्यूएंट डाइपोल थे वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। कोई दूसरा डोमेन है इसके आसपास का, ये डोमेन अजीब अजीब सा स्ट्रक्चर होता है डोमेन का, इसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जितने भी पार्टिकल से डोमेन बना हुआ है, ये पार्टिकल भी अलाइंड हो जाएंगे किसी और डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन में अलाइंड हो गए। लेकिन एक डोमेन के अंदर अंदर, एक डोमेन के अंदर अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन रहेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, लेकिन जैसे ये लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे का टुकड़ा है, ये लोहे की कील है, ये अपने आप में मैग्नेट नहीं है, जबकि इसके अंदर आयरन के जितने भी एटम्स हैं वो सब अपने आप में एक छोटा छोटा मैग्नेट है, लेकिन फिर भी ये पूरी की पूरी तो मैग्नेट नहीं है, नहीं चिपका रही है, तो ये मैग्नेट क्यों नहीं है जबकि इसके अंदर सब जो डाइपोल्स हैं इसके अंदर। तो क्या होता है, समझिएगा ध्यान से, कि डाइपोल अपने आप में एक दूसरे के साथ रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। यहां देखिए ये रैंडमली ओरिएंटेड है, फॉर्मिंग क्लोज्ड चेन। एक डोमेन ये रहा, इसका पीछे यहाँ साउथ पोल है, ये इधर नॉर्थ पोल है, तो अगले वाले इसके एडजेसेंट डोमेन का यहाँ बन जाएगा साउथ पोल, इसके सामने। अलग से बना देता हूं मैं, अलग से हम इसको सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, देखो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं कि ये हमारा पूरा स्पेसिमेन है, मैंने सिर्फ इसके चार टुकड़े कर लिए, चार डोमेन इसमें बना लिए, मैंने चार डोमेन बना लिए, तो इस डोमेन में जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो एक डायरेक्शन में अलाइंड है, इस तरफ को ये अलाइंड है सारे, ये बराबर वाला डोमेन है, इस डोमेन में जितने भी पार्टिकल्स हैं ये सब इधर को अलाइंड है, एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है सारे के सारे। ये वाला इसके डोमेन, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी अलाइंड है सारे, किसी और डायरेक्शन में अलाइंड है, ये है सारे के सारे अलाइंड। और ये चौथा डोमेन, ये तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हालांकि ऐसा होता है कि एक ही चेन सैकड़ों हजारों डोमेन से मिलकर बनी होती है। अब क्या होगा, देखो ध्यान से, ये डोमेन वन, डोमेन वन का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, लेकिन अगले वाले डोमेन के साउथ पोल में चली गई, फिर यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली नॉर्थ पोल से, सेकंड डोमेन के नॉर्थ पोल से, तो तीसरे डोमेन के साउथ पोल में चली गई, और जब तीसरे डोमेन के नॉर्थ पोल से निकली तो चौथे डोमेन के नॉर्थ साउथ में चली गई, और चौथे डोमेन के नॉर्थ पोल से निकलने वाली फिर से पहले वाले डोमेन के साउथ पोल में आ गई, और इस तरह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही अंदर कन्फाइंड हो गई, अंदर ही अंदर बंद रह गई, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ स्पेसिमेन में से बाहर नहीं निकल रही तो हमें इसका कोई भी मैग्नेटिज्म फील नहीं होगा। इसके अंदर करोड़ों अरबों खरबों डोमेन्स हैं बने हुए, लेकिन उन सारे डोमेन्स का ओरिएंटेशन एक दूसरे के साथ ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसने बना रखी है बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेकिन वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर ही अंदर घूम गई, अंदर ही अंदर क्लोज लूप बना लिए, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं आ रही। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर नहीं आ रही तो इस बेचारे को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है, ये मैग्नेट में तब कन्वर्ट होगा जब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, मैग्नेटिक लाइंस का इसके ऊपर कुछ इफेक्ट हो, तो कहीं नॉर्थ पोल बन जाएगा, कहीं साउथ पोल बन जाएगा, अट्रैक्शन होने लगेगा, लेकिन जब यहाँ इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल ही नहीं रही तो क्या हुआ, कुछ नहीं बनना इसका। इस तरह से जो फेरोमैग्नेटिक मटीरियल में हर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने आप में एक छोटा सा डाइपोल है, लेकिन बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं बताता हूं, अबाउट
10 टू द पावर 10 पार्टीज पार्टिकल्स अबाउट 10 टू द पार्ट अबाउट 10 टू द पावर 10 पार्टिकल, और इसका साइज कितना होता है, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए इन वन डोमेन। जरूरी नहीं कि 10 टू द पावर 10 ही हो, 10 टू पावर 10 से थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम भी हो सकते हैं, ये तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। और इस पूरे का साइज कितना होता है, इसका जो साइज है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू थाउजेंड एंगस्ट्रॉम, फ्यू थाउजेंड एंगस्ट्रॉम के आसपास का इसका साइज होता है। और इस तरह से एक डोमेन बन गया, डोमेन सारे आपस में रेंडमली ओरिएंटेड हो गए, बाहर से देखने पर वही का वही काम होगा जैसे कि पैरा में हो रहा था, तो फेरो में भी ऐसे लगेगा जैसे मैग्नेटिज्म इसमें नहीं है। लेकिन इसकी प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग क्यों है, पैरा मैग्नेटिक के कंपैरिजन में इसकी प्रॉपर्टीज स्ट्रॉन्ग क्यों है, ध्यान से देखिए। जब पैरा मैग्नेटिक मटीरियल को हम एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इन सारे डाइपोल्स को घुमाना पड़ेगा, इन सारे डाइपोल्स को घुमाना पड़ेगा, क्योंकि हर डाइपोल किसी चेन का पार्ट है और कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। लेकिन जब इसे आप रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में तो फिर यहाँ ये तो सारे पार्टिकल्स काफी हद तक पहले ही अलाइंड है, तो इनका अलाइनमेंट जल्दी हो जाता है, आसानी से हो जाता है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक मटीरियल। अब इसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो फिर दो दो कंडीशंस बनती हैं हमारे सामने, दो कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन तो वो है कि जब आप इसको बहुत हल्के से मैग्नेटिक फील्ड में रखें, ये आपका एक डोमेन हो गया, सॉरी स्पेसिमेन फेरोमैग्नेटिक मटीरियल, ठीक है। मैं इसके दो बना रहा हूं, दो डॉट बना रहा हूं, देखो ये तो मैंने डॉट वो बनाया जब इसको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड से एक्सपोज नहीं किया है, मैग्नेटिक फील्ड में इसे जब नहीं रखा है, तो ये डोमेन स्ट्रक्चर है इसका जो मैंने अभी आपको ये बनाया, ठीक है। एक डोमेन तो होगा इस कंडीशन में, एक डोमेन का डायपोल मोमेंट ये रहा, दूसरे डोमेन का डायपोल मोमेंट ये रहा, और तीसरे डोमेन का डायपोल मोमेंट ये रहा, करेक्ट। अब इसे आपने रख दिया एक वीक मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया आपने, और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड है, वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होता है कि जिस डोमेन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, जिस डोमेन का डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्टिव है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाएगा, ये वाला सपोर्टिव है भी तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। कैसे बड़ा हो जाएगा कि इसके जो बाउंड्री पर डाइपोल्स थे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के, वो घूम करके इसी के साथ साथ मिल जाएंगे, बाउंड्री पर जो बिल्कुल यहाँ सरहद पे थे सारे पार्टिकल, वो सब इसके साथ आकर के मिल गए। तो क्या होगा कि जो सपोर्टिव है मैग्नेटिक फील्ड के, वो साइज में बड़ा हो जाएगा, ये वाला साइज में बड़ा हो गया ऐसे, ये वाला साइज में थोड़ा कम रह गया, ये थोड़ा कम रह गया, और ये वाला तो बहुत ही छोटा रह गया, ये बहुत छोटा रह गया। तो अब इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा, ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ा कि पहले तो इन सब के मैग्नेटिज्म एक दूसरे को बैलेंस किए हुए थे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कम कन्फाइंड किए हुए थे, लेकिन अब जो एनलार्ज हो गया है, जो डोमेन बड़ा हो गया साइज में, इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, इसमें से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन बाकी 3, 4, 10, 20 जो भी हैं ये डोमेन, उन डोमेन्स के अंदर कन्फाइंड नहीं हो पाएंगी, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से निकल कर बाहर जरूर आ जाएंगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा हो गई है, जो बड़ा हो गया, एनलार्ज हो गया। और अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल कर आ गई, इसलिए हम कहेंगे कि ये स्पेसिमेन अब क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, मैग्नेटाइज्ड हो गया, अब ये मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया। किसके इन्फ्लुएंस से कन्वर्ट हो गया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से कन्वर्ट हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। कैसे मैग्नेटाइज हो गया कि जो
डोमेन, जितने भी डोमेन थे इसके अंदर, अभी तो हमने सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाया चार डोमेन का, लेकिन जितने भी डोमेन पढ़ेंगे सपोर्टिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, उनका साइज बड़ा हो जाएगा। साइज कैसे बड़ा हो जाएगा कि इसकी बाउंड्री पर जो पार्टिकल पहले था इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड, ये था इस डायरेक्शन में ओरिएंटेड था, इधर को ओरिएंटेड था अपने पुराने डोमेन के साथ, वो अब नए डोमेन के साथ ओरिएंटेड हो जाएगा, ऐसे ओरिएंटेड हो जाएगा नए डोमेन के साथ में, तो नए डोमेन की बाउंड्री बढ़ गई, नए डोमेन का राज्य का विस्तार हो गया है। ये जो डोमेन यहाँ घूम गए, इन डोमेन्स के घूमने से इस वाले एक डोमेन का जो सपोर्टिव डोमेन है, जो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ऑलरेडी, उस डोमेन की बाउंड्रीज का, उसकी सीमाओं का विस्तार हो गया, बड़ा हो गया साइज में, तो स्ट्रॉन्गर हो गया। अभी स्ट्रॉन्गर हो गया तो इस डोमेन से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स सारी की सारी यहाँ नहीं जा पाएंगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर भी निकल कर आ जाएंगी, कुछ इसी के अंदर कन्फाइंड रहेंगी। तो फिर क्या होगा, अब उस केस में ये पूरा का पूरा स्पेसिमेन एक मैग्नेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, हम कहेंगे मैग्नेटाइज हो गया। लेकिन इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अगर आप रख दें एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में इसे आप रख दें, तो फिर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, कंडीशन फिर थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, लेकिन इस बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बहुत सारी लाइन्स बना लूंगा। देखो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार आपने इसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो फिर अब क्या होना है, अब पहले वाला काम नहीं होना। इस बार क्या होना है, इस बार सारे के सारे डोमेन्स घूम जाएंगे, सारे घूम जाएंगे या कुछ घूम जाएंगे, सारे के सारे घूम करके कहाँ आ गए, कहाँ अलाइंड हो गए, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अप्लाइड, सारे के सारे या ज्यादातर, या तो सारे के सारे या मोस्ट ऑफ देम घूम करके अलाइंड हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अब ये पूरा का पूरा फिर से क्या हो गया, ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, पहले भी मैग्नेटाइज हो गया था, अब भी मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन पहले किसी और तरीके से मैग्नेटाइज हुआ था, इस बार थोड़ा सा इसका मेथड बदल गया, लेकिन ये वाला मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्गर रहेगा इस मैग्नेटाइजेशन के कंपैरिजन में। कितने डोमेन घूमेंगे डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, पहले तो ये कि मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नेटाइजिंग फोर्स कितनी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटाइजिंग फोर्स स्ट्रॉन्गर द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी कि काफी सारे मैग्नेटाइज डोमेन यहां घूम जाएंगे। ठीक है, साथ में डिपेंड करता है खुद इस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर, खुद इस मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कि इस ये अपने डोमेन्स को घुमाने के लिए तैयार है भी या नहीं है। जैसे कि निकल, आयरन और कोबाल्ट, ये तीन चीजें हैं, इनके डोमेन बड़े आराम के साथ घूम जाते हैं, तो इसका मतलब उसमें मैग्नेटाइजेशन तगड़ा होगा। खुद इसकी ससेप्टिबिलिटी पर डिपेंड करता है, जितना आसान होगा इसको मैग्नेटाइजेशन करना, उतने ही ज्यादा यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उतने ही ज्यादा ये क्या होंगे, डोमेन्स घूम जाएंगे। थोड़ी सी एक चीज और बता दूं आपको, हालांकि इस साल वो कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी काम में तो आती ही है। ये मेरा स्पेसिमेन है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, इस बार मैंने इस स्पेसिमेन के बहुत सारे पार्ट्स कर लिए, ये पार्ट्स कर लिए मैंने, ये डोमेन्स हैं, मैंने बहुत सारे डोमेन्स बना लिए। इसे रखा आपने एक वीक मैग्नेटिक फील्ड में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इसमें से कुछ डोमेन्स ऐसे हैं जो घूम गए, ये वाला डोमेन घूम गया, ये वाला डोमेन घूम गया, ये डोमेन घूम गया, यहाँ से ये डोमेन घूम गया, यहाँ ये डोमेन घूम गया, लेकिन बाकी सारे डोमेन अभी भी रैंडम ओरिएंटेशन में है, बाकी सारे डोमेन अभी भी रैंडम ओरिएंटेशन में है, कुछ घूम गए कुछ रह गए। इस मैग्नेटिक फील्ड को आप स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, इस मैग्नेटिक फील्ड को आप और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, तो और स्ट्रॉन्ग कर देने पर क्या होगा, अब और ज्यादा डाइपोल घूम जाएंगे, और ज्यादा डाइपोल्स घूम जाएंगे। ये मैंने डाइपोल्स बना लिए। जब आपने इसे रखा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, और तकड़ा मैग्नेटिक फील्ड, तो अब क्या हुआ, अब और ज्यादा डाइपोल्स घूम गए, पहले 10% घूमे थे, तो अब 50% घूम गए या 20% घूम गए, लेकिन कुछ डाइपोल अभी भी कैसे हैं, अभी भी
अपने रैंडम ओरिएंटेशन में इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर लगे हुए हैं। तो अब इसका मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन स्ट्रॉन्गर हो गया इसके कंपैरिजन में। आप और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, स्ट्रॉन्ग करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग करते करते आपने इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आपने इंड्यूस कर दिया कि जितने भी डाइपोल्स हैं इसके अंदर, जितने भी डाइपोल्स हैं इतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया। ये देखिए ग्रीन लाइन से मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तकला स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया। तो अब क्या हुआ, 100% डोमेन्स, जितने भी डोमेन्स थे वो सारे के सारे एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन की तरफ को घूम गए, घूम गए। जितने भी डोमेन्स थे सब एक ही डायरेक्शन में आ गए। हम यहां कहेंगे कि अब इसका मैग्नेटाइजेशन 100% सैचुरेशन पर पहुंच गया है। अब अगर आप और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो भी यहां मैग्नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि डोमेन्स अब घूमने के लिए बचे ही नहीं है, घूमने के लिए डोमेन्स बचे ही नहीं। तो हल्का सा मैग्नेटिक फील्ड लगाया, कुछ डोमेन घूमे, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करा आपने और ज्यादा डोमेन घूम गए, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड करा तो एक कंडीशन ऐसी आ गई सारे के सारे डोमेन्स घूम गए। थोड़ा सा ग्राफ मैं बता दूं, हालांकि ग्राफ अब सिलेबस से बाहर निकला हुआ है मगर मुझे तसल्ली नहीं होती जब तक सब चीज ना पढ़ा दूं। तो जैसे ये मैंने इस एक्सिस पे लिया मैग्नेटाइजिंग फोर्स और यहाँ लिया इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हिस्टेरिसिस ग्राफ इसे बोलते हैं। हिस्टेरिसिस तो खैर मैं नहीं बताऊंगा आपको ज्यादा डिटेल। तो जब आपकी मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो है तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी जीरो। जैसे आपने मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाई वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ती चली जाती, फिर तेजी के साथ बढ़ती और एक कंडीशन पर पहुंचकर क्या आ गया, सैचुरेशन लेवल आ गया। सैचुरेशन लेवल का मतलब अब आप H की वैल्यू कितनी भी बढ़ाते रहो, I की वैल्यू और ऊपर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि सारे के सारे डोमेन्स एक साथ घूम चुके हैं एक ही डायरेक्शन में, सारे डोमेन्स घूम चुके। तो अब हम कहेंगे कि 100% सैचुरेशन आ गया, 100% मैग्नेटाइजेशन इसका हो चुका है। बात समझ आई इतनी?